अभी जो आप देख रहे हैं, मैं कलकत्ता एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, मेरा फ्लाइट का इंतजार कर रहा हूँ। और ये जो आप सामने फ्लाइट देख रहे हो गो एयर का, वो मेरा फ्लाइट है। मैं उसी से अभी अपने घर को जाने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि रनवे पे कितना बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। कलकत्ता 5 नंबर पे आते हैं पूरे भारत में। तो आप देखो कि एक फ्लाइट जाते हैं, दूसरे आते हैं, और मैं एकदम लास्ट कॉर्नर में बैठा हुआ हूँ। तो आप देख रहे हो ना कि इंडिगो का जो ये बस जा रही है और उधर से जो बस आ रही है, ये सब मतलब ये बताती है कि थोड़ा सा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। आप सामने देख रहे हो, फ्लाइट अभी टेक ऑफ किया है, एकदम सामने कितना शानदार लुक लग रहा है ना। तो ठीक है, अब हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमारा फ्लाइट का भी टाइम हो रहा है। ये आप जो सामने देख रहे हो गो एयर का जो फ्लाइट आ रही है, मेरा यही फ्लाइट है, मुझे इसी से जाना है। तो अब मैं अपना बैग पैक करता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने हमारा नाम अलाउंस किया। मैं हमेशा लेट रहता हूँ यार, क्या करूँ। यहाँ 20 नंबर से हमें जाना है। इट्स कॉल्ड माय नेम। फोन कर रहा, फोन नहीं पकड़ रहा। उधर बैठ, चलो। फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन नहीं पकड़ रहा था, और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। आप ये देख सकते हो कि मैं फ़्लाइट में जा रहा हूँ। गो एयर का फ्लाइट है कलकत्ता से पटना के लिए। और अगर आप अभी टाइम की बात करोगे तो 1 बज रहा है इंडियन टाइम। तो ठीक है, आगे फिर मिलते हैं, फ्लाइट में दिखाते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मज़ा आ गया भाई, घूम घूम के बैंकॉक घूम लिया, कलकत्ता घूम लिया। अब घर की ओर चलता हूँ, फिर आगे की ट्रिप का सोचता हूँ, कहाँ जाना है ईश्वर ने चाहा। सामने फ्लाइट लगी हुई है, मैं ही एक लास्ट पैसेंजर हूँ। उन्होंने हल्ला कर करके बुला रहा था, धनंजय सुना, धनंजय सुना, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। और मैं आ गया। और जो हमारी सीट है वो 29F है, तो 29F में हमको जाके बैठना है। My name is Sunita, I'm flight manager. Looking after you today are Sarita, Shivangi and Sneha. Wish you all a very pleasant flight and thank you for choosing to flying with Go Air. कृपया इस विमान की सुरक्षा सुविधाओं के लिए हमारे कैबिन क्रू की ओर ध्यान दें। आपसे निवेदन है कि सुरक्षा सूचना समाप्त होने तक कृपया इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग ना करें। धन्यवाद। कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है, कसने के लिए इस तरह, और पेटी खोलने के लिए फ्लैप उठाइए और दोनों सिरों को अलग कर दीजिए। यदि कैबिन में हवा का दबाव कम हो जाए तो ये नकाब अपने आप नीचे आ जाएंगे। नकाब को अपनी ओर खींचें और नाक मुंह ढक कर सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पूर्व अपना नकाब सही तरीके से पहले पहने। आपातकालीन स्थिति में बाहर जाने के लिए 2 द्वार विमान के पिछले भाग में, 4 निकास ओवरविंग भाग में और 2 द्वार आगे की ओर हैं। बिजली का प्रवाह बंद होने पर और निष्क्रमण के दौरान फर्श पे लगी प्रतिदीप्तिशील पट्टियां आपको निकटतम द्वार तक पहुंचने में मदद करेंगी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि सीट पॉकेट में रखे निर्देश पत्र को ध्यान से पढ़ें। कृपया ध्यान दीजिए, अब हम उड़ान के लिए तैयार हैं। कृपया अपनी खिड़की के पर्दे को खुले रखें। उड़ान लेते समय कैबिन की बत्तियां मध्यम की जाएंगी। यदि आप पढ़ना चाहें तो ऊपर लगी बत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपकी उड़ान सुखद हो।
यदि आप समाचार पत्र एवं अन्य वस्तुएं फेंकना चाहते हैं, कृपया उन्हें इकट्ठा करके तैयार और हमारे कैबिन क्रू को आपका सहयोग हमारे लिए अमूल्य है. GoAir is dedicated towards maintaining on-time performance and providing customers with clean aircraft. To do so, we need to turn around our planes quickly during transit halts. We solicit your cooperation in this regard. Our cabin crew will be coming around to collect any throwaway newspapers or other items which you may wish to discard. Kindly check your seat pockets and have them ready for collection. We highly appreciate your cooperation. Thank you. ध्यान दीजिए, विमान के उतरने की तैयारी में आपसे निवेदन है. यहाँ अपनी सीट में लौट जाएं, कुर्सी सीधी रखें, ट्रे टेबल बंद कर दें और कुर्सी की पेटी बांध दें. कृपया साथ लाए सामान को ऊपरी सामान कक्ष में या सामने वाली कुर्सी के नीचे रख दें. अपनी खिड़की के पर्दे को अवश्य खुले रखें. आपसे अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि फुल साइज लैपटॉप अब सामान कक्ष में रखें. हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि लैपटॉप बंद करने से पहले आप अपना काम जरूर सही कर लें. कैबिन की बत्तियां अब बंद की जाएं. यदि आप पढ़ना चाहें तो ऊपर लगी बत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं. नमस्कार, पटना में आप सभी का स्वागत है. वहां का तापमान 34°C है. को ऐसे यात्रा करने के लिए धन्यवाद. Ladies and gentlemen, welcome to Patna. The outside temperature is 34°C. Thank you for choosing to fly with GoAir. देवियों और सज्जनों, आपकी सावधानी के लिए कुर्सी की पेटी बांधने का संकेत रहने तक आप अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहें और इस समय सामान कक्ष न खोलें. हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि उतरने के वक्त सामान कक्ष सावधानी से खोलें और कृपया अपना निजी सामान जैसे कि मोबाइल फोन्स, चश्मे और किताबें ले जाना ना भूलें. GoAir, कप्तान और क्रू की ओर से आप सभी को नमस्कार. आशा है कि आपकी यात्रा सुखद रहे और हमें आपकी सेवा करने का फिर से अवसर मिलेगा. GoAir से यात्रा करने के लिए धन्यवाद. आज मैं सोया नहीं हूँ भाई. सुबह से चलते 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 बैंकॉक, बैंकॉक से कोलकाता, कोलकाता में वेट किया आध घंटा और अभी घर आया. अभी घर जाऊंगा, उसमें जाने में 10-15 मिनट, उसके बाद बताता हूँ क्या हुआ. आ गया भाई, अपना शहर आ गया, पटना आ गया भाई. तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, मैं अभी फ्लाइट से नीचे उतर रहा हूँ और मैं आपको नीचे उतरकर थोड़ा दिखाता हूँ कि पटना एयरपोर्ट कैसा है. तो एक इंडिगो का वो फ्लाइट है, वो अभी टेक ऑफ करने के लिए जा रही है और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ. मैं GoAir से आया हूँ जो कि आप सामने देख रहे हो और ये देखिए आप, एक जो फ्लाइट है जो अभी टेक ऑफ कर रही है हमारे सामने. तो वो जो अभी टेक ऑफ की है वो GoAir का है और जो उधर जा रही थी रनवे तो वो इंडिगो का है. और ये जो आप देख रहे हो ये हमारा छोटा सा पटना का एयरपोर्ट है और इसको अभी बहुत जल्द ही इसे बड़ा किया जा रहा है. 2023 तक होप है कि बड़ा हो जाए डोमेस्टिक टर्मिनल. तो आप देख रहे हो ये है हमारे पटना एयरपोर्ट. आइए फिर आगे आपको कुछ दिखाते हैं और इसी फ्लाइट से हम आए हैं जो आप सामने देख रहे हो. अभी मैं अपने शहर, अपनी जन्मभूमि पाटलिपुत्रा, मगध, पटना, वाट एवर यू कैन कॉल, आ गया हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है. आफ्टर 5 मंथ आई रीच माई बर्थ लैंड. आप मेरे पीछे देख रहे हो जिस फ्लाइट से मैं अभी अभी आया, वो फ्लाइट अभी वापस टेक ऑफ होने वाली है और उसमें लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं. तो ठीक है, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा ही है, ज़्यादा ख़राब ना रहा. चलिए आगे आप बताते हैं. ये है
मस्ती पटना एयरपोर्ट। आप ये देख रहे हो ये पटना एयरपोर्ट है, आपको एक राउंड घुमा देता हूँ। अब मैं आ गया बाहर, बाहर से लुक आपको दिखा देता हूँ बाहर का लुक कैसा है। Hi, I'm Manish Raj. तो अब हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आ गए और आप देख रहे हो हम लोग ट्रिपल हैं। हमें नहीं पता पुलिस पकड़े रहता है। आप यहाँ देख सकते हो जय प्रकाश नारायण।